व्यंजन। वे वर्ण जो व्यंजन वे वर्ण हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। स्वर होते हैं जो जिनका उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता के होता है। अन्य ध्वनियों की या वर्ण की सहायता के बिना बोला जाता है वो स्वर होते हैं। लेकिन व्यंजन जो होते हैं उनको हम बिना स्वर की सहायता के बोल ही नहीं सकते, है ना। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है, 33 है। ये कौन कौन से हैं? क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, 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 ह। इस तरह से 33 ये व्यंजन हो गए और स्वर कितने हैं? 11। तो 11 और 33 44 हैं। अब इसके अलावा इन 11 स्वरों और 33 व्यंजनों के अतिरिक्त हिंदी वर्णमाला में निम्नलिखित ध्वनियाँ अनुस्वार, अनुनासिक एवं विसर्ग तथा एक आगत ध्वनि ओ, दो अन्य व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन भी हो जाते हैं, माने जाते हैं। जैसे अंग, अंग और आ भी बचे ना इसमें, तो अंग अनुस्वार कहा जाता है इनको, है ना। अंग को अनुस्वार और अंग अंग होता है, ये अंग होता है अनुस्वार और अंग होता है अनुनासिक, चंद्र बिंदु जिसमें होता है ना, ये अनुनासिक कहलाता है। और अह होता है विसर्ग, इसे विसर्ग कहा जाता है। तो ये भी शामिल होते हैं हिंदी वर्णमाला में। और इसी तरह से ओ, अंग्रेजी भाषा से लिया गया है इसको, लेकिन इसको भी स्वर के साथ में शामिल किया जाता है। यह आ और ओ के बीच की ध्वनि का वर्ण है, आ और ओ इनके बीच की ध्वनि का वर्ण है, तो इसको क्या बोलते हैं? ओ। इसको भी स्वर के साथ ही शामिल किया जाता है। अब रहता है ण और ढ, अणा, इन्हें व्यंजनों में गिना जाता है, ण और ढ। इसी तरह से क्ष, त्र, ज और ऋषि, इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। व्यंजन है लेकिन ये संयुक्त हैं, ये अकेले नहीं बोले जाते, दो व्यंजनों को मिला करके ये व्यंजन बनते हैं। तो इस तरह से ये हमारे व्यंजन हुए। अब है तो स्वर और व्यंजन हमने पढ़े, अब क्या है, अब हमारा अब इनका वो है हमारे अभ्यास पुस्तक है। एक बार फिर से, वर्ण किसे कहते हैं? वह उस छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे वर्ण कहते हैं। जैसे आ, आ, इ, इ, है ना, नहीं उसके अलावा क, ख, ग, घ, इनके भी टुकड़े नहीं होते। वर्णों का क्रमिक स्वरूप वर्णमाला कहलाता है, वर्णों का क्रमिक समूह वर्णमाला कहलाता है। और व्यंजन स्वरों की सहायता के बिना नहीं बोले जा सकते। क, ख, ग, घ यदि बोलते हैं हम तो क, का के संग में आ बोल रहे हैं, ख, ग, इनको बोल रहे हैं ना, इसलिए इनको बिना स्वर की सहायता के हम नहीं बोल सकते हैं, है ना। ये मुख्य बातें हुई इसकी। अब हम करते हैं अभ्यास। ळ और ळ का प्रयोग करते हुए एक एक शब्द बनाइए, ळ और ळ। तो ळा हुआ, ळा से सड़क, और ळा से पढ़ाई, पढ़ाई और सड़क। अब है आगत ध्वनि अनुस्वार एवं अनुनासिक का प्रयोग करते हुए एक एक शब्द बनाइए। आगत ध्वनि
आगत ध्वनि है जो ओ और आ के बीच की ध्वनि होती है, तो वो आगत ध्वनि कहलाती है। तो आगत ध्वनि कौन सी है, उसके उससे क्या शब्द बनेगा, आगत ध्वनि से डॉक्टर और अनुस्वार मतलब अंग की बिंदी से अंगूर और इसी तरह से अनुनासिक से मतलब चंद्र बिंदी से सांप चांद कोई भी एक बन सकता है ना। तो ये हो गए हमारे आगत ध्वनि अनुस्वार ध्वनि अनुस्वार एवं अनुनासिक का एक एक शब्द। आगत का डॉक्टर, अनुस्वार का अंगूर और अनुनासिक का सांप। संयुक्त व्यंजन छ त्र ज्ञ और श्र का प्रयोग करते हुए एक एक शब्द बनाइए संयुक्त व्यंजन। छ छ का प्रयोग करते हुए बना क्या, क्षत्रिय कक्षा कोई भी एक लिख देंगे। त्र का त्रिशूल, ज्ञ का ज्ञानी, श्र का श्रीमान, इस तरह से ये संयुक्त व्यंजन के एक एक शब्द हो गए। श से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी और श्र से श्री श्रीमान श्रीमती श्रम कुछ भी हो सकता है। अब मौखिक रूप में उत्तर दीजिए, उनको क्या करना है, अ इ उ का शुद्ध उच्चारण कीजिए, केवल बोल के बताना है इनको। और बड़े आ ई ऊ का शुद्ध उच्चारण कीजिए, इनको भी मुंह से ही बोल के बताना है। ए ऐ का शुद्ध उच्चारण करके इनसे शुरू होने वाले दो दो शब्द बनाइए। ए से एड़ी, एकता, ऐसे ऐनक और ऐनक और ए से ऐनक और ऐसे ऐसा, इस तरह से दो शब्द हो गए ए और आई के। अनुस्वार अनुनासिक एवं विसर्ग का एक एक शब्द बताइए। अनुस्वार का अंगूर अंगद कुछ भी हो सकता है। अनुनासिक का चांद सांप है ना, और विसर्ग का अतः प्रातः प्रायः, एक एक शब्द लिख बोलना, केवल लिखित नहीं करना इसको, बोलना भर है। अब ग और ळ तथा ढ और ळ का उच्चारण में क्या अंतर है बताइए, उच्चारण करके बताइए। ये ढ और ळ ळ ढ और ळ और ढ और ळ ये अंतर इनका है। अब है श स और श का उच्चारण कीजिए। श स और श का उच्चारण कीजिए। शेर सेब षड्यंत्र का सही उच्चारण कीजिए। शेर सेब षड्यंत्र इनका उच्चारण हुआ, ठीक है। अब है निम्नलिखित वाक्यों में सही के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए, ठीक है। तो पहला है, अभी आपने रीडिंग किया ना, ध्यान से किया होगा तो समझ में आया होगा। पहला है वर्ण का क्रमिक समूह वर्णमाला कहलाता है, सही है ना, बताया था ना हमने, वर्णों का क्रमिक समूह वर्णमाला कहलाता है। ग घ ळ ख ग
वर्णों का सही क्रम है? गलत। सही क्रम क्या है? क ख ग ग ङ, ठीक है, ये सही क्रम, ये गलत है। रगड़ शब्द में ड का प्रयोग होता है? रगड़ में ड का प्रयोग होता है? नहीं, रगड़, ये भी गलत है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है और तीसरा भी गलत है। अब है निम्न स्वरों को सही क्रम में लिखिए। निम्न स्वरों को सही क्रम में लिखिए। लिखा अ ई आ उ ए ऐ ए ओ ऋषि ओ औ ई उ, तो ये गलत लिखा है। इसका सही क्या है? अ आ छोटा अ बड़ा आ, छोटी ई बड़ी ई, छोटा उ बड़ा उ, ऋषि ए छोटी ए बड़ी ए, ओ आओ अंग अंग आ नहीं है, हम्म। अब है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। भाषा की छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्ण, वर्णमाला, व्यंजन, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, तो वो क्या कहलाती है? वर्ण। वर्ण कौन सी? अ आ ई ये। वर्ण के भेद होते हैं 3, 2, 4। कितने भेद होते हैं? 2, स्वर और व्यंजन। कौन से 2 अतिरिक्त व्यंजन वर्णमाला में मान्य हैं? कौन से 2 अतिरिक्त व्यंजन? ड और ड, ड और ढ, ग और घ। तो ड और ढ तो वैसे ही हैं, ग और घ वैसे ही हैं, लेकिन ड और ड, इन दोनों को, ये दोनों अतिरिक्त व्यंजन हैं, इनको वर्णमाला में मान्यता प्राप्त है। अ की ध्वनि ली गई है चीनी भाषा से, हिंदी भाषा से, अंग्रेजी भाषा से। किससे ली गई है अ की ध्वनि? अंग्रेजी भाषा से। अंग्रेजी भाषा से हमने अ की ध्वनि ली गई है। डॉक्टर, टॉफी, कॉपी, इस ध्वनि को हमने कहाँ से लिया है? अंग्रेजी भाषा से। इस तरह से सही विकल्प में पहले का हुआ वर्ण, दूसरे का हुआ 2, तीसरे का हुआ ला और रा, और चौथे का हुआ अंग्रेजी भाषा से। इस तरह से हमारी ये विकल्प पूरा, विकल्प सही हो गए। अब हम, ये हमारा पाठ आज हमारा पूरा हो गया, पार्ट 2 पूरा हो गया। अब आप लोगों को होमवर्क क्या करना है, इन सबको किसी में भी, अब ये कॉपी में लिखने वाला कुछ भी नहीं, केवल बुक में आप लोगों को फिल करना है, हैं, और बुक ही हमको चेक कराना है, हमको डालना व्हाट्सएप में, तो हम बुक चेक करेंगे आप लोगों को, ठीक है। और शुद्ध लिखना, सुंदर, साफ साफ सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखना और शुद्ध लिखना, और साथ साथ ये वर्णमाला एक बार रिवाइज करके लर्न भी कर लेना, ठीक है। तो ये आपको फिल करना है, और इसके साथ ही क्या करना है, वो करना है सुलेख, 1 पेज सुलेख लिखना है। आप लोग तो पहले से वो तो कॉपी में लिखना ही नहीं है, इसमें केवल बुक में डेट डाल करके होमवर्क लिख करके आपको ये सब, ये स्वर व्यंजन ये सब कुछ लिखना है, आगत ध्वनि वाले, अनुस्वार अनुनासिक वाले, एक एक शब्द लिखना है, ड़ा और ढ़ा का प्रयोग करते हुए एक शब्द लिखना है, हैं, संयुक्त व्यंजन के एक एक शब्द लिखना है, और इनको केवल उच्चारण करना, बोल बोल के, केवल एक बार मौखिक रूप से उत्तर दीजिए, केवल इनको बोल बोल के आप लोगों को वो करना है, उच्चारण करना है इनका, ठीक है।
और ये सही गलत का निशान लगाना, ये लगवा दिया है हमने, है ना, अच्छे से लगा लेना और चेक करना। और स्वर, निम्न स्वरों को सही क्रम में लिखना, ये उल्टा सीधा दे रखा है तो इनको सही क्रम में लिखना है, अ आ इ उ ए ऐ ओ औ, है ना, ऋषि ऐसे तरह लिखना है। उसके बाद सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है, जो सही विकल्प दे रखे हैं उनका, उन पर सही का चिन्ह लगाना है, है ना। पहले में वर्ण, दूसरे में दो, तीसरे में अड़ा और अड़ा, और चौथे में अंग्रेजी भाषा, ठीक है। इस तरह से ये आपका आज का पाठ पूरा हो गया, ये होमवर्क भी कर लेना। और सुंदर सुंदर राइटिंग में सुलेख, डेट डाल करके उसमें प्रॉपर और सुलेख लिखना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क हो गया। तो आज का हिंदी का क्लास यहीं पे आपकी समाप्त होती है, और कल हम फिर पढ़ाएंगे आपको सुनहरी धूप का पार्ट 3, दो तो करा दिया है ना पूरा, पार्ट 3 की हम रीडिंग कराएंगे, हो गया, ठीक, गुड गुड डे।